आराम से मूड़े पे बैठ के लड़की की नमाज देख रहे थे। अरे बड़े संगीतकार बनते हो, अरे संगीत कहते हैं इसे, बेहोश रानी को होश आ गया। अरे बेहोश को होश आ जाए इसमें ताज्जुब की क्या बात है, बेली के संगीत में तो वो जादू है कि बड़े बड़े होश वालों को बेहोश कर दे। हाँ गुरुदेव, कौन से खानदान के हो, तानसेन के, बैजूबाड़ा के, कोई भी हो, मुझे भी वो संगीत सिखा दो, मुझे भी किसी को बेहोश करना है। लेकिन ये बताओ तुम हो कौन? तुम हो कौन? तुम बन जा रहे बस्ती वाले, मैं बन जा रहा पर्वत पर्वत गाता जाए एक बन जा। गुरुदेव चले कहाँ? रमता जोगी बहता पानी, कभी इस डेरे कभी उस डेरे। तुम्हें आज इस डेरे पे रुकना होगा। कारण? तुम्हें एक मरीज का इलाज करना है। मरीज? स्त्री है या पुरुष? कन्या है। कन्या? अनर्थ, घोर अनर्थ। अरे कन्या के स्पर्श से बेली का ब्रह्मचर्य भ्रष्ट हो जाएगा। अरे कोई रोकता ही नहीं, परंतु हाँ बेली स्पर्श के भी कन्या का उपचार कर सकता है। गुरुदेव ये पतंग की तरह ठुमके क्या लगा रहे हो? कन्या का नाम रानी है। लेकिन तुम्हें कैसे मालूम? अरे बेली से कुछ छुपा हुआ नहीं, रोगी की दशा चिंताजनक है, नैनों में चमक है, मन में शाम नाम की कसक है, जिसमें जागीरे नाम की झटक है, और इसका एक ही इलाज है, यानी कि उठा के पटक है। ये क्या कर रहा हूं? कर नहीं रहा हूं, करना पड़ेगा, जो तूने किया है वो भरना पड़ेगा। यदि कन्या का जीवन चाहिए तो तुम में से किसी एक को मरना पड़ेगा, प्रेम की देवी को रुष्ट किया है उसे संतुष्ट करना पड़े, और इसलिए तुम में से किसी एक कुंवारे की बलि देनी पड़ेगी। अरे है कोई ऐसा कुंवारा जिसमें खून भी हो चर्बी भी? नहीं, मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, मैं नहीं। बेली इस कबीले में तो एक ही बेसुरा है और वो ये है। गुरु इसके कुकर्मों की सजा मुझे क्यों दे रहे हो? मैं बेहोश हो रहा हूं। अब ये बलि के काबिल नहीं रहा। अरे बिल्कुल नहीं रहा महाराज, बलि के बिना काम नहीं चल सकता। चल सकता है, लेकिन जिस तरह श्री लक्ष्मण जी के लिए श्री हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए थे, उसी तरह कन्या के लिए तुझे चंदन की छाल लानी होगी। अरे नहीं महाराज, चंदन के पेड़ पर तो नाग देवता निवास करते हैं। हम कुछ नहीं जानते, यदि चंदन की छाल नहीं तो कन्या की जान नहीं। ऐसा है, ठीक है लाऊंगा, जरूर लाऊंगा। बारह के भाव में पाखंडी, मूर्छित होने का नाटक कर रहा था, भस्म कर दूंगा तुझे। गुरुदेव इस दुनिया में हर प्राणी को नाटक करना पड़ता है, समझ गए ना? समझ के। अब क्यों नहीं समझेंगे, अंतर्यामी है। गुरुदेव आप बेधड़क होकर रानी का उपचार करिए, करिए करिए, और मैं बिजली का आचार करता हूं। नागदेवता तेरे लिए करम करम दूध लाया, मेरे को ये छाल उतार लें दे, वरना बेली मेरी खाल उतार लेगा। बेली ये क्या हो रहा है? इलाज, इलाज में हाथ सहलाने की क्या जरूरत है? हमें पहले ज्ञात हो चुका था कि तू चंदन की छाल अब नहीं ला पाएगा, इसलिए हमें एक नया उपचार प्रारंभ करना पड़ा, श्याम विष। श्याम विष? हाँ, मैं इस कन्या के मन से श्याम के प्रेम का सारा विष उतार देना चाहता हूं, ताकि इस कन्या के मन को कोई भी जीत सके। उतारो महाराज, जल्दी उतारो। जय भवानी।
ले केक का, आज मेरा जन्मदिन है। पप्पू जाग गए तो जन्मदिन मरण दिन बन जाएगा तेरा। अरे आज मैं जान हथेली पे लेकर आ रहा हूँ, कौन परवाह नहीं। ये ले खा खा खा, ये क्या कौन है, किधर है? अरे बिजली, तुम क्यों लटक रही हो बेटी? बिजली बिजली, खुदकुशी नहीं बेटी, नहीं मेरी बेटी, नहीं बिजली बिजली। अजीब लगी लगी है बादल। ससुर जी, ससुर जी, ससुर जी के बच्चे नीचे उतर। नहीं उतरता। उतर। नहीं उतरता। मैं कहता हूँ नीचे उतर। अगर मैं नीचे उतरूंगा तो तुम मेरे जन्मदिन के दिन मुझे ऊपर पहुँचा दोगे। जन्मदिन के बच्चे, आज तूने मेरी इज्जत पे डाका डाला है, मेरा तंबू फाड़ा है। तो तू मेरा तंबू फाड़ दे, मगर मुझे माफ कर दे। बादल, आखिरी बार ये बात कान खोल के सुन ले, अगर तू मेरी बेटी से शादी करना चाहता है तो सुर में आ, सुर में आ, सुर में आ। तू चिंता मत कर बादल, तेरे सुर मैं सीधे कर दूंगा। अच्छा, मगर कैसे? देख, तंबू के बाहर मैं गाना गाऊंगा और तंबू के अंदर तू होठ हिलाएगा। तंबू के बाहर तुम होठ हिलाओगे, तंबू के अंदर मैं गाना गाऊंगा? अरे नहीं, नहीं। तंबू के बाहर मैं गाना गाऊंगा और तंबू के अंदर तू होठ हिलाएगा। मैं होठ हिलाऊंगा? अरे मगर होठ हिलाते मैं हिलने लगा तो ससुर का हाथ बड़ा तगड़ा है, कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना? तू बिल्कुल फिक्र मत कर। नहीं करो ना? बिल्कुल नहीं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बादल और बिजली लाल जुड़े में कितने अच्छे लग रहे थे। मैं मौका मिलते ही बाबा से तुम्हारा हाथ मांग लूंगा। धोखेबाज, इलाज के बहाने मेरी रानी पर डोरे डाल रहा है। जागी रे। बेशरम, सुना था औरत जिंदगी में सिर्फ एक बार प्यार करती है, लेकिन तू पहले श्याम के नाम की माला जपती रही और अब इस बेली की बाहों में मचल रही है। बेली के संगीत ने मुझे नया जीवन दिया है, मेरे अंग अंग में तरंग भर दिए। और अगर मेरा जागीरा संगीत ने बेली को हरा दे तो तेरे जागीरे की जवानी की कसम, बेली को छोड़ जागीरा का हाथ थाम के इसके पीछे पीछे चल दूंगी। जागीरे जय भवानी। लेकिन मैं और संगीत? अरे तू फिक्र नहीं कर, इधर आ, इधर आ। इस पीपल वाले बाबा के ताबीज को पहनकर मुझ जैसा बेसुरा एक रात में सुरीला बन सकता है, तो तू भी इसको पहनकर। बेली तो क्या चीज है, राजू बारो का भी चित कर सकता है। सच? अरे मिसाल सामने खड़ी है। बढ़ जा, बढ़ जा, बढ़ जा, बढ़ जा, सूली पर चढ़ जा। हो जाए मुकाबला। ये तो छोटे ठाकुर का घोड़ा है। छोटे ठाकुर, छोटे ठाकुर, कीचड़ की जब मौत आती है तब वो शहर की तरफ भागता है, और जब चींटी की मौत आती है तो उसके पर निकल आते हैं। देखना है जोर कितना बाजू ये कातिल में है।
ऊंच नीच के सारे बंधन तोड़कर चला हूं बाबा, मुझे आप जानो, मैं रानी की पकड़ जिंदा नहीं रह सकता। छोटे ठाकुर, मैं तो चाहता था कि दो मोहब्बत भरे दिल कभी जुदा न हो, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि कल दुनिया हमें ये ताना दे कि एक बंजारे ने एक ठाकुर के बेटे को अपने जाल में फंसा लिया। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? हाँ छोटे ठाकुर, हम मोहब्बत के दुश्मन नहीं, लेकिन हम मजबूर हैं, बहुत मजबूर हैं। हमारी बेटी की जिंदगी से खेलने की कोशिश मत करो और निकल जाओ यहां से। नहीं बाबा, मैं रानी को साथ लिए बिना यहां से नहीं जाऊंगा। छोटे ठाकुर, ये मेरा आखिरी फैसला है। तो अब मेरा भी फैसला सुन लो। जब तक तुम्हारा बाप तुम्हारी बारात लेके मेरे दरवाजे नहीं आएगा, मैं रानी का हाथ तुम्हारे हाथ में नहीं दूंगा। मैं सिर्फ रानी का फैसला जानना चाहता हूं। अगर रानी मेरे साथ जाना चाहती है तो आप उसे रोक नहीं सकते। शाम, चलो रानी, हम लोग किसी ऐसी जगह चले जहां हमारे प्यार पर कोई पहरा ना बिठा सके। तेरे सामने इस वक्त दो रास्ते हैं बेटी, तू जो चाहे चुन ले। चलो रानी। श्याम, मेरे पापा मुझे बहुत चाहते हैं। श्याम, मेरे माँ बाप भी मुझे बहुत चाहते हैं रानी। उन्होंने मुझे जन्म तो नहीं दिया लेकिन औलाद की तरह पाला है। देख, तेरी चाहत में मैं उनके प्यार को ठुकरा कर चला है। लेकिन श्याम, मैं अपने बाबा का दिल नहीं दुखा सकती, मैं अपने बाबा को नहीं छोड़ सकती। रो मत रानी, मेरी आंखें सब कुछ देख सकती हैं लेकिन अपनी मोहब्बत की आंखों में आंसू नहीं देख सकती। श्याम, रानी मैं चला जाऊंगा, हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। ठहरो, मेरे बेटे की खुशियां छीनकर तुम यहां से नहीं जा सकते बाबा। हाँ बेटी, तूने तो साबित कर दिया कि तू मेरी बेटी है, अब मुझे यह साबित करना है कि मैं भी एक बाप हूं। तुम दोनों की खुशियों के खातिर मैं एक बार भगवान से भी टकरा जाऊंगा।